सकलेंट प्लांट अपनी खूबसूरती और एलिगेंट लुक के लिए जाने जाते हैं, और सकलेंट प्लांट की कई सारी वैरायटी होती है, इनकी कई सारी किस्में पाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी किस्में होती है जिसे आज तक हमने देखा भी नहीं है, और काफ़ी खूबसूरत होते हैं ये। और कई सारे सकलेंट की तो किस्में जो होती हैं वो रेयर भी होती हैं, जल्दी हमें मिलती भी नहीं है। इस वजह से सकलेंट प्लांट जो हैं हमें मिलते हैं तो थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं, साथ ही हमें लगता है कि इनको इनका केयर करना बहुत ही मुश्किल है, ये जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, अगर सकलेंट प्लांट का नेचर हमें पता है, इनकी प्रॉपर केयर हमें पता है, तो सकलेंट प्लांट को हम लंबे टाइम तक अपने गार्डन में बचा के रख सकते हैं। साथ ही सकलेंट प्लांट की एक और भी स्पेशलिटी होती है कि इसके जो कटिंग होते हैं, स्टेम कटिंग होते हैं, और इनकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। साथ ही सकलेंट प्लांट के बेबी प्लांट भी आते रहते हैं। सकलेंट प्लांट की एक और खूबसूरती है, इनकी स्पेशलिटी है कि सकलेंट प्लांट के लीव से भी, इनकी पत्तियों से भी हम नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस वजह से हमारे गार्डन में सकलेंट प्लांट कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। सकलेंट प्लांट की हम बहुत सारी वैरायटी और प्रजाति को बचा कर भी रख सकते हैं। कि सकलेंट प्लांट जैसे जैसे मैच्योर्ड होते हैं और ओल्ड होते जाते हैं, इनकी खूबसूरती और भी बढ़ती जाती है, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और एलिगेंट लगते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल है, क्योंकि हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं सकलेंट प्लांट की टॉपिक है, और लीफ के साथ हम नए नए प्लांट बना सकते हैं, और लीफ में भी रूट ग्रोथ आसानी से हो जाती है, ईजिली हो जाती है। ये देखिए, ये एचिवेरिया है, और इसमें ये देखिए ये रूट यहाँ भी दिख रहा है, तो इसके स्टेम भी लग जाते हैं और इसके लीफ भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, और नए नए प्लांट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एक बार हम अगर सकलेंट प्लांट अपने गार्डन में लाते हैं ऑनलाइन या नर्सरी से, उसके बाद हम कई सारे सकलेंट प्लांट बना सकते हैं एक प्लांट से। जैसे ये देखिए, ये सेडम है, इसके भी ढेर सारे सकलेंट प्लांट बन सकते हैं इनके स्टेम कटिंग से, इसके लीफ से भी। तो स्टेम कटिंग तो बहुत ही ईजी होता है, और मैंने आपको बताया भी है कई बार, बट आज मैं आपको इनके लीफ से नए प्लांट बनाना सिखाऊंगी। लीफ में रूट ग्रोथ कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये भी एक सकलेंट है, जेली बीन सेडम बोलते हैं, और इसके लीफ भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, और इनके लीफ में भी रूट ग्रोथ हो जाती है। हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिया, एंड वेलकम बैक अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सकलेंट प्लांट के लीफ से नए प्लांट बनाना सीखेंगे, और इनके लीफ में ही हम रूट प्रोपगेट भी करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि सकलेंट प्लांट के लीफ से हम रूट प्रोपगेशन कैसे करते हैं और नए नए प्लांट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगी कि लीफ से कैसे हम रूट प्रोपगेट कर सकते हैं। और ये देखिए, ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक का ये रिजल्ट है, और जैसा कि देख सकते हैं नए नए बेबी प्लांट भी इसमें आए हुए हैं। कितने खूबसूरत और क्यूट से लग रहे हैं। इनको हम नए नए पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं और नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनका रूट कैसा आया हुआ है। और ये देखिए, ये रूट है, ये लीफ है, और लीफ में ये रूट आए हुए हैं, और साथ में ही ये बेबी प्लांट भी आया हुआ है। 100% सक्सेसफुल होते हैं लीफ प्रोपगेशन इस तरीके से। और अभी हम इसको नए नए पॉट में भी लगाएंगे। एक दो और भी मैं आपको लीफ दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सेडम का लीफ है, और इसमें भी बेबी प्लांट आया हुआ है, और ये है एचिवेरिया। बेबी प्लांट आए हुए हैं और रूट भी आए हुए हैं। छोटे से लीफ में भी किस तरीके से रूट ग्रोथ है, साथ में बेबी प्लांट भी है। ये देखिए, सब एक दूसरे को सबने बाइंड कर लिया है, और बेबी प्लांट भी है इसमें। अब हम बताते हैं कि किस तरीके से हमें ये लीफ प्रोपगेशन करना है। तो सबसे पहले हमने कोको पीट ले लेना है। कोको पीट में ही हम लगाएंगे, 100% सक्सेसफुल रिजल्ट आता है। और कोको पीट तो हमें मार्केट में भी इजीली मिल जाते हैं, साथ ही ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और ये है कोको पीट, और ये हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से ये दिखता है। बहुत ही हार्ड होते हैं ये कोको पीट,
और इनको अभी हम इसको हम कट करके थोड़ा सा निकाल सकते हैं। इसमें हमें ढेर सारा पानी डालना होता है और इस तरीके से कोकोपीट पानी को सोख कर लेते हैं और डबल क्वांटिटी में हो जाते हैं। अभी ये सोख हो रहा है तब तक हम सकलेंट प्लांट के लीफ को लेकर आते हैं। और सबसे पहला जो हम सकलेंट प्लांट का लीफ लेंगे ये है एक्टिवेरिया सकलेंट। और इसके लीफ तो वैसे किसी भी लीफ को हम लेंगे तो वो लग जाएंगे, बट हम इसको लास्ट वाला लीफ निकालेंगे। देखो यहाँ से हमें कट कर लेना है, चाहे तो ये लीफ भी, छोटे वाले लीफ भी लग जाते हैं। साथ ही हम ये सेडम का भी लीफ ले लेते हैं। ये है सेडम और एसिडेरिया सेडम, इनके लीफ बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। देख सकते हैं ये भी सेडम, मैंने एक लीफ से ही इतना बड़ा सेडम तैयार किया हुआ है। तो बहुत सारे सेडम प्लांट हम बना सकते हैं। और ये है जेली बीन सेडम, जो भी मैंने सकलेंट आपको बताया, जैसे जेली बीन सेडम है, एसिडेरिया है और सेडम है, इन सब के लीफ को हम बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसमें रूट प्रोपगेट कर सकते हैं। तो अभी हम एक या दो इसमें से भी ले लेते हैं। और ये कोकोपीट ने सारे पानी को अच्छे से सोख कर लिया है, अब ये बेहतर हो गया है लीफ प्रोपगेशन के लिए। और इस तरीके से हम लीफ लेंगे और बस हमें जस्ट इसके ऊपर रख देना है। इसको हमें इसके अंदर डिप नहीं करना है, जस्ट इसके ऊपर हमें रख देना है। और इस तरीके से हम सकलेंट प्लांट के लीफ से कोकोपीट में इजिली रूट प्रोपगेशन कर सकते हैं। इस ट्रे को हम सेमी शेड में रख देंगे और जब भी लगे कि ये ड्राई हो गया है ट्रे, इसमें हमें इस तरीके से हल्के पानी के फवारे से इनमें मॉइस्चर हमेशा बनाए रखना है। और देखेंगे कि करीब 1 वीक में ही इसमें डिफरेंसेस आने लगे हैं, नए नए बेबी प्लांट आने लगे हैं। अराउंड 1.5 मंथ इसमें काफ़ी अच्छे खासे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे और लीफ में बेबी प्लांट भी हमें मिल जाएंगे और रूट प्रोपगेशन भी हो जाएगा। अब जो लीफ में प्रोपगेशन हुआ है, रूट प्रोपगेशन और साथ में ये बेबी प्लांट है, इनको हम नए पॉट में लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है और छोटे पॉट का भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और बाद में जब ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं तो इनको हम बड़े पॉट में रिपॉट कर सकते हैं। और जो सकलेंट प्लांट का पॉटिंग मिक्स हम तैयार करेंगे, इसमें 50% हमने सॉइल लिया हुआ है, 30% गार्डन सॉइल लिया है और 20% आप कोकोपीट भी रख सकते हैं। और ये एक्टिवेरिया का बेबी प्लांट है, इसको कितना अच्छा लग रहा है ये। और बेबी प्लांट की हमने प्लांटिंग कर दी है और इस तरीके से हमें डेली इसमें वाटर से स्प्रे कर देना है।